बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। शिक्षक अभ्यर्थियों के रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। सूत्रों का कहना है कि बीपीएससी रिजल्ट इस महीने के आखिरी तक जारी कर सकता है। बताते चलिए कि 24 अगस्त से 26 अगस्त तक दो पालियों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न विषय के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। बीपीएससी द्वारा करीब 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर ही 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था। इसका 25 सितंबर तक रिजल्ट जारी होना था, लेकिन अब 28 सितंबर के बाद जारी किया जाएगा। दरअसल यह देरी सीटेट रिजल्ट को लेकर हो रहा है। कहा जा रहा है कि सीटेट का भी रिजल्ट जारी होने वाला है। सीबीएसई और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच इसको लेकर बातचीत हो गई है। सीटेट का रिजल्ट 28 सितंबर को जारी होगा। बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में सीटेट अपियरिंग अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। यही वजह है कि अभी रिजल्ट को टालते हुए सीटेट रिजल्ट के बाद जारी करने का निर्णय लिया गया है। बीपीएससी के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 30 सितंबर तक जारी हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि 27 से 29 सितंबर के बीच माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी करने की तैयारी चल रही है। 28 से 30 के बीच प्राइमरी स्कूलों के लिए शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बताते चले कि 90% तक रिजल्ट शीट को तैयार कर लिया गया है। बीपीएससी को सिर्फ सीटेट रिजल्ट का इंतजार है। जी हां, आपको बता दें कि बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए यह खबर है। शिक्षक अभ्यर्थियों के रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। सूत्रों का कहना है कि बीपीएससी रिजल्ट इस महीने की आखिरी तारीख तक जारी कर सकता है। बताते चले कि 24 से 26 अगस्त तक दो पालियों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न विषय के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ था। बीपीएससी द्वारा करीब 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर ही 24 से 26 अगस्त के बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। इसका रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी होना था, लेकिन अब 28 सितंबर के बाद जारी किया जाएगा। दरअसल यह देरी सीटेट रिजल्ट को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि सीटेट का भी रिजल्ट जारी होने वाला है। सीबीएसई और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच उसको लेकर बातचीत हो गई है। सीटेट का रिजल्ट 28 सितंबर को जारी होगा, तो वहीं बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में सीटेट अपियरिंग अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। यही वजह है कि अभी रिजल्ट को टालते हुए सीटेट रिजल्ट के बाद जारी करने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि 28 से 30 के बीच प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। यह भी बता दें कि 90% तक रिजल्ट शीट को तैयार कर लिया गया है। सिर्फ सीटेट रिजल्ट का इंतजार है, उसके बाद बीपीएससी रिजल्ट निकाल देगा।